हेलो दोस्तों, जय जय श्री राम, जय जगन्नाथ। आशा करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे और गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह का वक्त है, इस समय हम भैरव जी मंदिर पर मौजूद हैं। दोस्तों, ब्लॉगिंग करने में बड़ा ही आनंद आता, मैंने सोचा सुबह सुबह ब्लॉगिंग कर ली जाए। भैरव जी गुड मॉर्निंग, और हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। जय जय श्री राम, जय बटुकनाथ। ये आपका बटुक केडी, और बड़ा ही अच्छा नेचुरलिटी यहाँ बहुत है, क्योंकि बारिश सब होती है तो यहाँ हरे भरे पत्ते हो जाते हैं। और हमारा जय जय श्री राम, जय बटुकनाथ। अब कचौड़ी का हम आनंद दिखाएंगे आपको। कचौड़ी यहाँ बननी जा रही हैं, दवा के खाते हैं सभी लोग और आनंद उठाते हैं। श्री हरिनाथ, जय श्री बटुकनाथ। रूटीन के बारे में बताओ थे। कुछ नहीं, अखंड रंग वाली की सुन रहे हैं, लेकिन अभी आने वाले को वक्त आई नहीं। तो आप क्या होना चाहता है कचौड़ी के की तज्जा का प्रोग्राम लगना चाहता है। नरेंद्र पुजारी कह रहे हैं हमारे कमरे में शुद्ध देसी घी रखा है, उठा के ले आओ भैया। हाँ, कचौड़ी को दोबारा मत किया जाए जी। तो लोहा सिंह भाई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और सुबह को वक्त है, और बढ़िया कचौड़ी को हम आनंद दिखें आप लोगों को। हमारे साथ ऐसे अंडरदास के दर्शन कैसे होंगे? अभी बुला रहे हैं बाबा भवन्नाथ को। भवन्नाथ आसन लगाते हुए कांच के दिवे दी बाबा भवन्नाथ। आइए भाई, जो इच्छाएं हो वो मांग सकते हो, पूछ सकते हो बाबा भवन्नाथ। उल्टी आसन लगाते हुए भैरव काल के मंदिर में बैठे बटुकनाथ मंदिर के बाबा भवन्नाथ के दर्शन करिए और अपना जीवन सफल बनाइए। अपनी भविष्य पूछिए, भविष्य क्या होने वाला है, भविष्य में आपके सब कुछ साफ बताते हैं। क्या है बाबा भवन्नाथ वन, बाबा भवन्नाथ टू, दोनों लोग बैठे हैं। जो भी आपको जानकारी लेना हो, योगा हो, योगा से लेकर हर कुछ यहाँ मिलेगा। यहाँ की नेचुरलिटी इतनी बढ़िया है बट भैरव जी मंदिर की, जिसकी कोई सीमा नहीं। ये हमारी फैमिली है। जो कैमरा मैन इस समय है लोहा सिंह, जब लोहा सिंह अपने रूप में होती हैं तो लोहा सिंह अपना मौज के लिए ये सब बातें होती हैं। और हमारे साथ ऐसे का हमारे चैनल पर अगर सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब अवश्य करें, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो कर रहा है जय श्री राम, जय हो। कचौड़ी की लाने भैया, आलू छिल रहे लोहा सिंह, आलू छिल रहे। चाचा का कर रहे तुम? चाचा कौन है? कचौड़ी करते बाबा रोटला जन। अरे अरे बस सुनाई ना, इनको नु बाबा नहीं है हम। आटा छान ले, कचौड़न के खाना है, पुजारी को खवाना है। कितने आटा में कावे? अरे वो ले आ रहे हम, तो लियो ना, तो जा रहे हम। रोटला नन संत, रोटला नन संत, रोटला नन संत लगा जी। की कचौड़ी, चाचा की कचौड़ी कभी खाई है दोस्तों? चाचा कचौड़ी बात आई, हाथ की कचौड़ी कैसी बनती? कचौड़ी है जी, लफा लफा है। कह रहा है हैं कौन, क्या कह रहे हैं? कचौड़ी हाथ ही देखो भाई, देखो जी, देखो भाई, ऐसो ये खाना भैरव जी को भोग लागे कचौड़ियां। देखो भाई, भाई ये हैं का कह रहा है? कौन बना है? बनाओ तो फिर हम चाचा सेंक लियो। सेंक लियो आओ, सेंक लियो आओ, सेंक ले। वो भोग लगवाए थे जी। देखो गरम गरम दोस्तों, कचौड़ी एक छोटी है एक बड़ी है जी। ये है चाचा की कचौड़ी। हाँ चाचा, ऐसी कचौड़ी कैसे? अरे बब्बा को है, बाबा बेबी बाबू बोले जी, बब्बा को भूख लगी। देखो लोहा सिंह भाई हमारे सेंक रहे जी, बनाऊ लिए सेंकू लिए सब कुछ कर लीजिए। लंबे हलवाई है, लंबे हाथ हैं, लंबे हलवाई है, यथा नाम तथा। देखो भाई कैसी हो तू, अरे क्या बात है लोहा सिंह, टक्कर में हो तुम। टक्कर में हाँ। और दोस्तों एक संत को और दिखा रहा है हम जल्दी। तो
क्या अरे तो पूछो कचौड़ी खाने में बड़ा ही आनंद आता है, जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो पछताए। आनंद नहीं आया कुल मिला के, जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो पछताए। दोस्तों ये है चाचा जी, चाचा कचौड़ी हो गई आज फैल। तो ये है तो खिलाएंगे हमको, ये खिलाएंगे अब कभी हम कचौड़ी की रेसिपी बना के चाचा जी को खिलाएंगे, यानी कि जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो पछताए। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। जय जय श्री राम, जय बटुकनाथ। और वीडियो को शेयर किया करें, और बटुकनाथ की ये चैनल है। जय जय श्री राम, जय बटुकनाथ।